अक्सर हम देखते हैं कि हिजाब करने वाली लड़कियों को बैकवर्ड या पुराने ज़माने की लड़की का खिताब दिया जाता है, जबकि हिजाब करना मुसलमान औरत पर लाजिम है। और अगर कोई लड़की किसी दबाव के बगैर अपनी खुशी से सर पर हिजाब करती है तो बजाय इस नेक काम में उसकी हौसला अफजाई करने के बहुत से लोग उसकी हौसला शिकनी करना शुरू कर देते हैं और ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की नसीहत करने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन खातून के बारे में बताएंगे जिन्होंने पर्दे में रहते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इतने हौसला शिकन रवैये के बाद भी दुनिया में ऐसी खातून की तादाद कम नहीं जिन्होंने हिजाब भी पहना और दुनिया के हर मैदान में अपना लोहा भी मनवाया। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओलंपिक चैंपियन इब्तिहाज मोहम्मद की। तलवारबाजी में ओलंपिक चैंपियनशिप का तमगा हासिल करने वाली इब्तिहाज मोहम्मद मुस्लिम हिजाब करने वाली खातून के लिए मशाले राह है। 13 साल की उम्र से तलवारबाजी का शौक रखने वाली इब्तिहाज ने खेल के दौरान भी हिजाब पहनकर साबित किया कि हिजाब किसी तरह उनकी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तानी पायलट शहीद मरियम मुख्तार के बारे में। कौम की बेटी मरियम मुख्तार का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये लड़ाका तैयारा उड़ाने वाली पाकिस्तान की पहली खातून पायलट थीं। मरियम मुख्तार का तैयारा परवाज के दौरान टेक्निकल वजूहात की बिना पर क्रैश हो गया था और मरियम मुख्तार मौके पर ही शहीद हो गई थीं। लेकिन मरियम का हिजाब में जहाज उड़ाना उन तमाम मफरूजात की नफी करता है जो पर्दे के हवाले से लोगों ने कायम किए हुए हैं। मारिया पहली मुसलमान हिजाबी फैशन मॉडल हैं जिनको एक मुमताज ब्रांड ने मॉडलिंग की पेशकश की। मारिया हिजाब के साथ अब मॉडलिंग भी करती हैं। यूएई से ताल्लुक रखने वाली जहरा लारी बर्फ पर स्केटिंग करती हैं। जहरा की बदौलत यूएई इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन में शामिल होने वाली पहली अरब रियासत बन चुकी है। जहरा भी बाहिजाब स्केटिंग करती हैं। कलसूम अब्दुल्ला एक पाकिस्तानी अमरीकी नयात वेट लिफ्टर हैं। उन्होंने 2011 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। इसके बाद एशियन वेट लिफ्टिंग में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। कलसूम अब्दुल्ला तमाम मुकाबलों में बाहिजाब शिरकत करती हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको उन खातून के बारे में बताया कि जिन्होंने पर्दे में रहते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। हमारी मजीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।